नमस्कार जय जोहर, मैं हूं तपेश जैन, खबर 40 में आपका स्वागत है। हमारे साथ में छत्तीसगढ़ जो कांग्रेस पार्टी के व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष श्री कन्हैया अग्रवाल जी हैं, कि जो कि रायपुर दक्षिण विधानसभा से चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार भी हैं। क्या कहेंगे आप अपनी उम्मीदवारी के बारे में? रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र जो है, पुराना रायपुर शहर उसके अंतर्गत आता है, और रायपुर का सबसे उपेक्षित क्षेत्र यदि कोई है तो पुरानी बस्ती क्षेत्र है। पिछले 25 वर्ष से लगभग बृजमोहन जी अग्रवाल जो विधायक हैं, और ऐसा कहा जाता है कि पूरे प्रदेश में सबसे दबंग व्यक्ति हैं, लेकिन उनकी दबंगता उस क्षेत्र में कहीं दिखाई नहीं पड़ती। सबसे पिछड़ा हुआ है, चाहे वहाँ स्वास्थ्य का मामला हो, शिक्षा का मामला हो, या दूसरे अन्य विकास हो, कोई भी प्रकार का विकास जो है दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में नहीं दिखाई पड़ता है। इसलिए जो है हम लोग दक्षिण के विकास को लेकर के सामने आए हैं। दक्षिण में माननीय विधायक जी और पूरी सरकार ने मिलकर के जो एक बड़ा प्रयास किया था कि वहाँ टोल नाका जैसी एक कैंसर से बड़ी बीमारी हम लोग कह सकते हैं उसको लगाने का प्रयास किया था, उसको हम लोगों ने लड़ करके हटवाया है। दक्षिण के ही लोगों का इंदिरा प्रियदर्शनी बैंक में जब पैसा डूबा तो इस सरकार ने कुछ नहीं किया, हम सब लोगों ने लड़ करके उस पैसे को दिलवाने का काम किया। बहुत से और मुद्दे हैं, निमितीकरण का मामला रहा हो, बूढ़ा तालाब को बेच देने का एक प्रकार से मामला रहा हो, महाराजबंद तालाब को पाटने का मामला हो, चंगोरा भाटा की बस्तियों को तोड़ करके वहाँ हाट बाजार बनाने का मामला हो, सब मामलों में जो है हम लोगों ने डट करके लड़ाई लड़ी है। इसलिए हम लोग ऐसा मानते हैं कि हमारी उम्मीदवारी भी मजबूत होगी, और क्षेत्र की जनता भी चाहती है कि अब वहाँ विकास दिखाई पड़े, लगातार जो है जो दबंग लोगों ने उसकी उपेक्षा की है वो दूर हो। क्या कहा जाता है, ये भी जाता है कि कांग्रेस जो है भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री हैं, विधायक हैं, उनसे मैनेज है और उनके अनुसार टिकट भी देगी? मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि यदि मेरा नाम कहीं चल रहा है तो वो मैनेजमेंट में तो किसी भी हालात में चल ही नहीं सकता है, क्योंकि यदि पिछले कई वर्षों में संघर्ष किया है तो हर कोई जानता है कन्हैया अग्रवाल ने वो संघर्ष किया है, तो ऐसे संघर्षशील आदमी का नाम तो मैनेजमेंट की तरफ से आ ही नहीं सकता है। इसलिए मैं इस बात को नकारता हूँ, और मैंने तो बहुत स्पष्ट रूप से जो है क्षेत्र के जो मैंने कहा कि उपेक्षा खास तौर पर जिस मामले में है कि हमारे यहाँ शिक्षा का कोई संसाधन, कोई स्वास्थ्य में कुछ भी नहीं मिला है, तो हम वहाँ क्या जातिवाद के तहत में भी आप उनके लिए अच्छे कैंडिडेट हो सकते हैं, संघर्षशील कैंडिडेट हो सकते हैं? वो भी अग्रवाल है, आप भी अग्रवाल हैं, ये एक कहा जा सकता है अग्रवाल टकराएंगे वाला, लेकिन जातिवाद का छत्तीसगढ़ में कहीं कोई नामो निशान नहीं है। जातिवाद का यदि नामो निशान होता तो बहुत से ऐसे प्रत्याशी ऐसे क्षेत्रों में जीतते हैं जहाँ उनके समाज के 5,000 मतदाता भी नहीं है। आप एक इतने लोकप्रिय हैं और इतने व्यवहार कुशल हैं बृजमोहन जी, मतलब बृजमोहन अग्रवाल एक ऐसा शख्सियत जो व्यवहार कुशल के नाम जाता है, कमजोर कैंडिडेट नहीं होंगे आप? मैं ऐसा मानता हूं कि रायपुर दक्षिण से ज़्यादा जो सीट जीतने के लिए कांग्रेस के लिए कोई सी अच्छी सीट नहीं हो सकती। 90 में सबसे जो जिस माम को दबंग के प्रत्याशी मानते हैं, या 90 में ये आम तौर पे मानते हैं कि बृजमोहन अग्रवाल जी सबसे पहला विजयी कैंडिडेट होंगे, लेकिन मेरा मानना ठीक विपरीत है। यदि 90 में हम सबसे पहली सीट कोई जीत सकते हैं तो रायपुर दक्षिण की सीट जीत सकते हैं। केवल एक चीज़ की आवश्यकता है कि चुनाव लड़ने वाले हम लोग जो हैं पूरी ईमानदारी के साथ हम चुनाव लड़ें, और इस बार जैसा दिख रहा है माननीय अध्यक्ष जी का नेतृत्व हो, तमाम कांग्रेस जनों का नेतृत्व हो, सब लोग एक चीज़ है कि सरकार बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं, और ये रायपुर दक्षिण की उपेक्षा जो है रायपुर दक्षिण के विधायक को भारी पड़ेगी, और कांग्रेस इस सीट पर जरूर जीतेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया इसके लिए। जय जोहर, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद।